घुटने नीचे जाएंगे। ओके, दोनों हाथ आप पीछे रखिए, नाउ मूव फेस आप करें, घुटने नीचे और नीचे 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 और फेस आप, ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, घुटने नीचे जाएं, वंडरफुल, ब्रीद इन करें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अच्छा, यहीं से आप ना देखिए हाथ पीछे हैं, थोड़ा सा एड़ियों के ऊपर आगे 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 बैठेंगे, ये देखिए आने की कोशिश कीजिए, हाथ थोड़ा चाहे आगे लेकर आए, ये देखिए जी आने की कोशिश कीजिए थोड़ा एड़ियों के ऊपर। एंड अगेन ब्रीद इन, ब्रीद वापस चले जाएं। अब दोनों घुटने सीधे कर लेंगे ऊपर, ये देखिए ऊपर, राइट साइड पे घुटने, चेहरा लेफ्ट लेफ्ट साइड, कमर के लिए वन टू, बार बार ये करवा चुका, थ्री फोर, कमर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन मोर टेन, टेन पे आप रुकिए, दोनों घुटने देखिए लेफ्ट साइड पे, ये याद रखिए दोनों घुटने सब लोग लेफ्ट साइड पे कर लें, लेफ्ट साइड बाईं तरफ कर लें खब्बे पासे। एंड ऑल दोनों लेग्स को स्ट्रेट कीजिए, ये देखिए यस, ये देखिए यहीं पर ही आप लेफ्ट हिप पे सारा वजन है, आप यहीं से वजन दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे राइट पे, ये देखिए टू थ्री फोर, गुड फाइव सिक्स, मुस्कुराइए, सेवन एट नाइन, वन मोर एंड टेन। ओके जी वापस आइए, बटरफ्लाई अगेन, ओके ओ गुड, हाँ गुड, नीचे तक जाएं, वाह 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 वाह। यहाँ पे सिर्फ तकरीरें नहीं होती हैं, यहाँ पे काम होता है, काम होता है, लेक्चर नहीं होते हैं। लोग समझते हैं जी मोटिवेशनल लेक्चर सुन के तो हम ठीक हो जाएंगे, कोई नहीं ठीक होता, ना वो खुद मोटिवेशन लेक्चर वाला को ठीक हुआ होता है, वो मुझे फ़ोन कर रहा होता है। रियली मोटिवेशन लेक्चर वाले जितने बड़े बड़े आपके हैं ना, ये जो यूट्यूबर, ये फलाना ढमकाना, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े जो भी तकरीरों वाले, वो मुझे कॉल कर रहे होते हैं जी, यह मसला है साढ़े दोस्त है, मसला मसला अपना होता है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम दूर कर दो, है कोई एक्सरसाइज दसो, ये प्रैक्टिकल काम है, आप काम करेंगे तो चेंज आएगी ना, बातचीत से काम चेंज नहीं आने वाली। और नीचे और नीचे, अब जी दोनों हाथों से दोनों पाँव के अंगूठे पकड़िए, नो राइट लेग स्ट्रेट, ये देखिए ये स्ट्रेट, अब ये स्ट्रेच आ रही है, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए लेग को स्ट्रेट करने की कोशिश करें, गुड, नो अप, नो ब्रीद इन, ब्रीद आउट पे वापस, नो लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करेंगे आप, स्ट्रेट कीजिए, लेग आपकी स्ट्रेट हो जाए, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, घुटना सीधा हो जाए, नीचे से लेग स्ट्रेच हो, फेस आप कीजिए, नो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नो सेट इन वज्रासन, ये देखिए ऐसे, ये पोस्चर कमाल का पोस्चर है जी ये, हो आंखें बंद करें जी, आंखें बंद। इकबाल का एक शेर है, हो कैदे मुकामी तो नतीजा है तबाही, रह बहर में आज़ाद वतन सूरत माही। अगर आप जिस्म तक ही महदूद हो गए, कैद मुकामी, मुकाम ये जिस्म है, आपको तो ला मुकाम होना है। हो कैद मुकामी तो नतीजा है तबाही, ये जिस्म तो तबाह हो ही जाने वाला है, खाक में मिल ही जाएगा। लेकिन इस जिस्म के अंदर एक एनर्जी है, उसको अगर आपने जान लिया तो वो एनर्जी कभी नहीं मिटती, वही तो उम्र जाविदा है। हो कैद मकामी तो नतीजा है तबाही, रह बहर में आज़ाद वतन सूरत माही। एक मछली जिस तरह समंदर के अंदर आज़ाद, खुला समंदर उसके लिए एक वुसत, उसकी मूवमेंट एक वुसत में होती है, ये पूरी कायनात, अब आप खुद सोचिए आपकी मूवमेंट कहाँ पर है, बस इसी ज़मीन पर ही, थोड़ा पाँव से चल लिया, थोड़ा गाड़ी में सफ़र कर लिया, थोड़ा जहाज़ों में बैठ गया, थोड़ा शिप में बैठ गया, ये आपकी कोई मूवमेंट मूवमेंट नहीं है। मोमन नहीं जो साहिब लो लाक नहीं है, आपकी मूवमेंट लो लाक में होनी चाहिए। मैं ज़मीन पर ही खड़ा था,
कि आसमान छू आया मेरा बाजू, किसी जिब्रील का पर लगता है। आपको यूनिवर्सल होना है, आपको कायनाती होना है। जिस्म तो आपका यहाँ पर हो, आपको लगे कि जैसे मैं एक बॉडीलेस, एक सॉफ्ट एनर्जी हूँ, मैं जैसे एक, क्योंकि आप हो ही एनर्जी। जिस्म तो मौत के वक़्त यही रह जाता है। मरे हुए बंदे को हम ये नहीं कहते कि ये फलां बंदा मरा पड़ा है, हम कहते हैं ये फलां बंदे की बॉडी है, ये उसका जिस्म है। आप ख़ुद सोचिए कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पाँव है, तो फिर मैं क्या हूँ? ये एक्सरसाइजेस आपको आपकी असल को जानने का, जो आप हो, जिसका ये हाथ है, जिसका ये जिस्म है, उसको जानने का मौका देती हैं। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ओनली 10 टाइम, लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, फेस ऊपर, 4, 5, 6, ऊपर देखिए, 7, 8, मुस्कुराते हुए, 9 and 10, ओ गॉड। ओके जी, घुटनों पे आएंगे और अपनी दोनों टोज, दोनों पाँव की टोज पीछे लगा दें, ये देखिए, दोनों हाथों को फ्री छोड़ दें। आप घुटनों पे आ जाएं ऊपर। अच्छा जी, ये एक्सरसाइज जो भी आपने की है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, बॉडी सुन होना शुरू हो जाए, तो इस पोस्चर में बैठा करें। ये देखिए, फिर एक बार बैठेंगे, अपना पूरा वज़न शिफ्ट कर दीजिए अपनी टोज पे। ये जो पाँव की उंगलियां हैं मेरे भाइयों, ये आपकी बॉडी का प्रेशर पॉइंट्स हैं इस इनके अंदर, बल्कि आपकी बॉडी का ये स्विच बोर्ड है। मैं फिर कहता हूँ, आपके पाँव की उंगलियों पर जब प्रेशर पड़ता है तो दिमाग तक, आपके दिमाग तक एक ताजगी आती है। दोनों हाथ फ्री करें, वज़न और पीछे छोड़ें, दिमाग तक तनाव दूर हो जाएगा। हो, पूरी बॉडी पे ठंडी ठंडी लहरें, थोड़ा दर्द हो सकता है, थोड़ी स्ट्रेच आ सकती है। शिफ्ट योर वेट ऑन योर टोज, नो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सीधा ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए, हो, आप पाँव उल्टे कर दें, दोनों हाथ यहाँ, स्लोली बैक पर बैठने, ये जुआ खोलिए, स्ट्रेच जुआ, या एंड वापा। इसमें जो चक्कर आते हैं वो भी इस वजह से, जब हम ऐसे जाते हैं तो तनाव बॉडी का दूर होता है, बॉडी ट्रैंकुलाइज होती है, बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। ये पोस्चर जो भी आपने बैकवर्ड बेंडिंग किया, ये जिस्मानी दर्दों के लिए, जिसको आर्थराइटिस पेन, बॉडी पेन, मस्कुलर पेन, उसके लिए वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, तीर बेहदफ। क्या कहते हैं तीर बेहदफ का क्या मतलब है जी उर्दू का? निशाने पे लगने वाला तीर, यानी क्या कहते हैं, एरो ऑन टारगेट। तो ये तीर बेहदफ की तरह ये एक्सरसाइज काम करेगी जिनको बॉडी पेन है। बेटा घुटनों पे हैं ऊपर, अगेन जी, दोनों हाथ यहाँ, एंड नाउ अगेन बैक वो बैठने, ये और पीछे, दरमियान में से आ गया ये थोड़ा सा, और यस, जुआ खोलिए, या अब लेफ्ट हाथ ऊपर, ये देखिए, लेफ्ट हैंड आप वापस, नो राइट हैंड आप, यस वापस। अब जी बारी बारी दोनों हाथ इसी एंगल में रहते हुए, ये देखिए, 1 घुमाएंगे, 2 यस, 3 4 10 तक जाएंगे, 5 गर्दन पीछे, 6 7 8 9 वन मोर एंड 10 ओके, बैठ जाए जरा, बैठ जाइए। ये एक एक्सरसाइज 1000 एक्सरसाइज के बराबर है जो अभी आपने की है। मैं कहता हूँ, खाने पे ध्यान इतना ज़्यादा मत दें, एनर्जी को कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता, एनर्जी आपके अंदर मौजूद है, उसको एक्टिव करना पड़ता है, उन एनर्जी चैनल्स को एक्टिवेट करना, या जिसको कहते हैं थोड़ा स्टिमुलेट करना, थोड़ा बटन दबाने की ज़रूरत है, एनर्जी का फ्लो जारी हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। नो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नाउ रिलैक्स योर बॉडी। जी मेरी तरफ देखिए,
राइट पाँव को यहीं से राइट साइड पे बाहर किया, लेफ्ट पाँव को लेफ्ट साइड पे, और ये देखिए बटक्स नीचे लग गए, हिप्स नीचे लग गए, ये नीचे आप लग गए। जोड़ों के दर्दों के लिए, डाइजेशन के लिए इस पोस्चर को मेंटेन करके रखिए। ये देखिए, गुड। नाउ अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, दोनों हाथ पीछे, ये ओके। यहाँ से उठेंगे ऊपर, ये देखिए ब्रीद इन करके ऊपर उठेंगे, ब्रीद इन एंड आप गर्दन पीछे जाए और आप पीछे से अपने पंजों पे आ जाएं, ये देखिए पंजों पे। ओह, ब्रीद इन, ब्रीद आउट पे वापस आप सामने जी। इसी एंगल में रहते हुए राइट हाथ आगे, लेफ्ट हाथ आगे, पीछे से उठना नहीं है जी, उठना नहीं है, यस, हिप्स ना उठें, हाथ आगे पुल कीजिए। देखिए बैक पे कितनी कमाल स्ट्रेच आ रही है, बैक होगी लिबरेट, और आगे नीचे जाइए, सर को नीचे लेकर जाइए, और आगे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, और नीचे जाएं, माथा नाक नीचे लग गया, ना स्लोली वापस आएंगे, दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे एंड और घुटने वाइड कर लें, मैक्सिमम वाइड, ये देखिए और वाइड, ओह स्ट्रेच आ रही है। आप दोनों हाथ मिडल में, ये देखिए जी, ओह दोनों हाथ मिडल में, पीछे से हिप्स मत उठाइए, थोड़ा आगे आए एल्बोस पे आ जाएं, ये देखिए थोड़ा आगे आए एल्बोस पे, घुटने और वाइड हो गए, आप मेरे देखिए घुटने कितने वाइड हो गए हैं, घुटने वाइड और वाइड, थोड़ा सा और घुटने खोलिए, फेस आप कीजिए, थोड़ा सा आगे आइए ताकि पेट नीचे लगे, ये देखिए मैं आगे आ रहा हूँ, पेट थोड़ा सा मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखिए देख सकते हैं, और फेस आप जाए, फेस आप जाए, और पेट नीचे जाए, ये कमर वाला जो एरिया है L4-5 वाला, ये अंदर की तरफ नीचे होना चाहिए, जिनका ये एरिया बाहर की तरफ है उन्हीं को ही प्रॉब्लम होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेहतर हो, आपकी सेक्सुअल लाइफ बेहतर हो, ये भी लफ्ज़ याद रख लीजिए, आपके किडनीज बेहतर हों, आपका डाइजेशन बेहतर हो, आपकी पैंक्रियाज बेहतर हों, आपका यूरिन, आपका ब्लैडर, आपका गॉल ब्लैडर, आपका सारे का सारा नीचे जो तख्लीकी निज़ाम है वो बेहतर हो, प्रोस्टेट का जिनको मसला है उनके लिए वंडरफुल सेट है ये एक्सरसाइजेज का, ये जो कमर वाला हिस्सा है मैं बारहा कहता हूँ ये नीचे की तरफ जाए, फेस आप कीजिए, पेट पे अब स्ट्रेच आ रही है, कमर पे स्ट्रेच आ रही है, राइट लेग राइट साइड पे बाहर, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड पे बाहर, और बाहर मैक्सिमम, ये देखिए थोड़ा नीचे आएंगे, नाउ ब्रीद इन एंड अप, आगे से ऊपर उठेंगे फुल, ये पूरा सेट है एक्सरसाइजेज का। हो फेस आप यहीं से डाउनवर्ड डॉग स्ट्रेच, और बैक पे जाएंगे स्ट्रेच, नाउ ब्रीद इन अपवर्ड, फेस अप, घुटने जमीन पे ना लगे, वापस डाउनवर्ड, 1-10 तक जाएंगे, 2-3 दरमियान में से नीचे, 4-5 दरमियान में से नीचे, 6 100 साल तक सेहतमंद रहना है तो ये एक्सरसाइजेस मामूल बनाएं, 8-9 फेस आप आगे से, 10 पे रुकिए जरा, राइट साइड से पीछे घूम के देखिए, ओ हिम्मत, लेफ्ट साइड से पीछे घूम के देखिए, डाउनवर्ड आग अगेन, हो नाउ ब्रीद इन अपवर्ड, और नीचे लेट जाएंगे, दोनों घुटने क्लोज करें, रुकना नहीं है, देखिए पीछे से पांव ऊपर उठाइए, दोनों लेग्स मैंने ऊपर उठाए, दोनों हाथ भी उठा लिए, ये देखिए जरा अब रोल करें बॉडी, 1-3-4-5 बस उठ के बैठ जाए। अगर आप सेहत को सही मानों में डिस्कवर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल योगी हैदर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें।